तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाजा कैसे आप बना सकते हैं एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट। दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इतना अच्छा से जो है तेल में हम लोग गाजा को उबाल रहे हैं। और दोस्तों इसको उबालने के बाद काफ़ी देर तेल में उबालने से ही जो है इसका कलर चेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी स्क्रीन पर तेल में उबल रहा है और जो अभी व्हाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ देर उबलने के बाद जो है इसका कलर थोड़ा सा पीला होगा, उसके बाद जो है बिल्कुल रेड टाइप का हो जाएगा, गाढ़ा रेड। और गाढ़ा रेड होने के बाद दोस्तों इसके लिए हम लोग चीनी का पाक बनाते हैं, जिसे हम लोग भोजपुरी में चीनी का रस बोल सकते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाजा कैसे आप बना सकते हैं एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट। दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इतना अच्छा से जो है तेल में हम लोग गाजा को उबाल रहे हैं। और दोस्तों इसको उबालने के बाद काफ़ी देर तेल में उबालने से ही जो है इसका कलर चेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी स्क्रीन पर तेल में उबल रहा है और जो अभी व्हाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ देर उबलने के बाद जो है इसका कलर थोड़ा सा पीला होगा, उसके बाद जो है बिल्कुल रेड टाइप का हो जाएगा, गाढ़ा रेड। और गाढ़ा रेड होने के बाद दोस्तों इसके लिए हम लोग चीनी का पाक बनाते हैं, जिसे हम लोग भोजपुरी में चीनी का रस बोल सकते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाजा कैसे आप बना सकते हैं एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट। दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख